दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स और पुलिस के बीच बुधवार देर रात को झड़प हो गई। कुछ रेसलर्स को चोटें भी आई हैं। झड़प के बाद विनेश और साक्षी जैसी मेडल जीतने वाली रेसलर्स रोने लगी। अगले सुबह यानी कि गुरुवार को बजरंग पुनिया ने कहा कि हम अपने मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि अब यह लड़ाई लंबी चलेगी। इसी बीच बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम चिट्ठी लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार 12 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई भी होनी है। पहलवानों ने कहा कि बारिश के चलते सड़क गीली हो गई थी। जब धरना स्थल पर बिस्तर लेकर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। नशे में पुलिस वालों ने मारपीट की और उन्हें अपशब्द भी कहे। पहले रेसलर्स कह रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली पुलिस के DCP प्रणव तयाल ने देर रात जारी बयान में कहा कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान आप नेता सोमनाथ भारती बिना इजाजत बैट लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए। हमने बीच बिचाव किया तो पहलवानों के समर्थक आक्रामक हो गए और ट्रक से बैट निकालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद एक मामूली सा विवाद भी हुआ। अभी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। झड़प में रेसलर विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर फट गया। एक और रेसलर राहुल भी घायल हुआ है। हंगामे के कुछ देर बाद रेसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान विनेश और साक्षी रोने लगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल क्या यही दिन देखने के लिए लाए थे। सभी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के जंतर मंतर पहुंचने की अपील भी की। हालांकि बाद में बजरंग ने वीडियो जारी करके ये अपील वापस ले ली। मारा था मैं तब महिला कांस्टेबल कहा थी, तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या? लड़कियों को कैसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्कल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी, यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। सभी देशवासियों से अपील, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है, आपकी बेटियां ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है इस बार। अगर आप फिर से वापस अगर आप बजरंग बता दें, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल हैं, आप बताएंगे? भाई सारे भैया ना राम राम भाई, हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। एक दो बड़का चोट लगी है, वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है भाई। तो आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ प्रशासन के साथ किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहो हैं कि हमारा धरना के ऊपर ख़राब हो। आप लोग किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे, ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।